राम मंदिर का शिलान्यास आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। ये सौभाग्य देशवासियों को 500 साल बाद मिला है। ऐसे में इस दिन दीपक जलाने के साथ मंदिर बनाने हेतु बलिदान देने वालों को भी याद किया जाए। ये बात समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कही। अतुल ने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अपने स्तर पर आह्वान किए जा रहे हैं कि इस अवसर को दीपावली की तरह मनाया जाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास के अवसर को मात्र औपचारिकता न समझा जाए तथा सभी श्रद्धा भाव से इस दिन को मनाएं। यही नहीं, अतुल भारद्वाज ने राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर कई कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं, बच्चों को भी इस बारे में प्रेरित करें। अतुल भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है, ऐसे में राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रदेश के देव स्थलों पर भी पूजा अर्चना की जाए। हालांकि कोविड-19 के चलते मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन जो पुजारी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके माध्यम से इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करवाई जाए और इस दौरान कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में युवा अपने गांव की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी ज्वालामुखी उपमंडल में जनहित मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे, जिनमें 400 वर्ष पुराने पुल को सहेजना, लॉकडाउन में कुएं का निर्माण व वर्षों से लंबित सड़क का निर्माण आदि गाँववासी व युवा अपने क्षेत्रों में कर चुके हैं। इस बार कथौक पंचायत के बहानीबाड़ में स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण समय का सदुपयोग करते हुए युवाओं द्वारा एक पीपल के पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए एक प्याले का निर्माण किया है। सभी युवाओं ने रोज स्वेच्छा से सुबह शाम श्रमदान करके प्याले का निर्माण किया। गांववासियों ने युवाओं के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। युवाओं ने इस कार्य के लिए कोई मजदूर नहीं लगाए, कुछ लोगों ने इस कार्य के लिए दान भी दिया, बाकी का खर्च युवाओं ने स्वयं उठाया। युवाओं ने समाज को ये संदेश भी दिया कि पेड़ लगाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको सहेजना। युवा प्रवीण कुमार, नितिन धीमान, आदित्य अखिल मोनू, उल्लास नितिन धीमान, बंटी ठाकुर, शुभम हर्ष, अभिनंदन धीमान, सन्नी, अंकित धीमान व सूरज आदि ने भरपूर श्रमदान किया और गांव के पूजनीय पीपल के पेड़ को सहेजा है। युवाओं का जोश कम नहीं हुआ और उनका कहना है कि गांव के और भी कई समाज व पर्यावरण सुधारक कार्य पूरी जी जान से करेंगे। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने नगर परिषद सोलन में भाजपा के चल रहे सियासी ड्रामे पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सोलन में भाजपा समर्थित नगर परिषद है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा पार्षद अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी अपने अध्यक्ष पर लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी शिकायत अपने शीर्ष के नेताओं को भी की है। अंकुश सूद ने कहा कि ये नगर परिषद में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नगर परिषद पार्षद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नगर परिषद में भाजपा पार्षदों और अध्यक्ष के बीच काफी समय से खींचतान चली हुई है। पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस आपसी लड़ाई में जनता लगातार पिसती जा रही है। भाजपा के पार्षद खुद ही नगर परिषद को भंग करने की बात कह रहे हैं, जिसके लिए वे अपने शीर्ष के नेताओं को नगर परिषद अध्यक्ष की शिकायत भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस लड़ाई के चलते बेहद खामियाजा भुगत चुकी है, लेकिन अब वह कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के अपने ही पार्षद अध्यक्ष पर उंगली उठा रहे हैं और नगर परिषद को भंग करने की बात कह रहे हैं, तो नगर परिषद अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
है।